संदेश भेजना चाहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बार फिर से आगे दरभंगा तारामंडल। इससे पहले जब ये ओपनिंग हुआ था तो आए थे, और बहुत दिनों से मतलब टिकट इशू चल रहा था, हम टिकट बुक नहीं कर पा रहे थे तो नहीं आ पाए। तो आज फाइनली आए हैं, और क्या क्या प्रोसेस है पूरा डिटेल वीडियो ये होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और लास्ट में कुछ सरप्राइजिंग भी देंगे, तो आप लोग रुकिएगा। और कैसे ऑनलाइन टिकट बुक होगा उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो चलिए गाइस, दिखाते हैं दरभंगा का तारामंडल। तो दोस्तों, इसी के अंदर में शो दिखाया जाता है, तो चलिए दिखाते हैं कहाँ पे मतलब टिकट बुक होता है ऑफलाइन। लेकिन आप लोग ऑनलाइन ही कटा के आइएगा, ऑनलाइन कटाने में सुविधा है, अपना हिसाब से सीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। और नीचे पूरा पानी वानी है, और मौसम तो काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों, यहाँ से एंट्री होता है, और इधर पार्किंग सब है, 20 रुपया लेता है बाइक का, कार का 40 या 50 लेता है। और चलिए चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों, यहाँ ऑफलाइन टिकट लिया जाता है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाएगा आसानी से। और इधर कैफे एरिया है, कैफे एरिया अभी फिलहाल बंद है जैसा कि देख ही सकते हैं। तो इसका सेवा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और ऊपर का भी सीन दिखाएंगे हम, वेट एंड वॉच। तो दोस्तों, यही रहा ओवरऑल बाहर से व्यू दरभंगा तारामंडल का। और तो देख सकते हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर जाने के लिए रास्ता भी बंद कर दिया गया है। क्यों किया है ये हमको भी नहीं पता, लेकिन हम ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। चलिए, अब लाइन में लगा जा रहा है, अब हम जाते हैं अंदर। तो दोस्तों, लाइन में लग चुके हैं, अब टिकट चेक होगा उसके बाद। अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, अगर अंदर वीडियो बनाएंगे तो 1000 काट लेगा फाइन। तो दोस्तों, यही रहा तारामंडल का अंदर का व्यू, और पूरा एसी लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे बैग वैग जमा करने का व्यवस्था है, और हम प्रकाश अंदर घुस चुके हैं गाइस, और सुकून लग रहा है। बाहर बहुत गर्मी था, अंदर फुल एसी। दोस्तों, चलिए चलते इसके अंदर और देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर चलेंगे। बिल बिल भी ले सकता है, बंद कीजिए नहीं। लगेगा लगेगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
उन्होंने जेनेसिस की किताब से पढ़ना बहुत शुरू किया। अब चार दिन पृथ्वी के ग्रह स्थान के नजदीक है। पृथ्वी के सभी लोगों के लिए अपने का चालक दल ये संदेश भेजना चाहता है। ये संदेश हमारे करोड़ों देशवासियों के लिए है। शुरू में भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। पृथ्वी को कोई आकार नहीं था, बस भूमि के साथ। हमारे आंतर गैरीय अंतराध्यान पृथ्वी से जितने दूर जाते हैं उतना ही उनसे सिंबल्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इस समय बाहरी वायु के इन मॉड्यूल्स के पहले हम इतने सारे नए क्षेत्र नहीं पाए थे। उन्होंने हमें हमारा ग्रह, हमारी सूर्य माना और इस मिशन में हमारा स्थान बड़ी स्पष्टता से दिखाया। चांद पर पहले उतरने का मौका खोने के बाद सोवियत यूनियन ने अपना पूरा ध्यान अंतराल में अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने में लगाया। उन्होंने पहला सायुज स्पेस स्टेशन बनाया, पर ज्यादा सफल रहा मीर स्पेस स्टेशन, जिसके कारण अंतराल में 10 साल तक निरंतर तो दोस्तों हम अंदर से तारामंडल का पूरा देख लिए। सो मुझे मतलब मैं अपना रिव्यू बताऊँ तो उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं पटना वाला तारामंडल गया हूँ, वहाँ पे देखा हूँ तो सब कुछ अच्छा से बताया गया है, कैसा कैसा सौर मंडल है हमारा, क्या क्या है सब बताया गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम गए देखे तो पूरा अमेरिका क्या क्या अचीवमेंट किया है ये सब दिखाया गया है, मतलब मज़ा नहीं आया। अपना देश के बारे में बताना चाहिए, जब दरभंगा का तारामंडल है, बिहार का है, भारत का है, तो इंडिया का कुछ चर्चा कहीं कुछ नहीं, बस क्या अचीवमेंट हुआ है। मतलब मुझे मेरा रिव्यू समझिए तो कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलिए इतना हवा बनाया था तारामंडल तो फाइनली आए देखे, ठीक ठाक ही लगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं। इसमें से 10 में से हम मात्र 3 रेटिंग देंगे, 5 भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों में शेयर करेगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी। हम जाने वाले हैं कहीं, अभी सीक्रेट है, आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।